नमस्कार साथियों, मैं सतीश मिश्रा एक बार फिर से प्रेमानंद योगा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमें डायबिटीज की शिकायत रहती है, ब्लड प्रेशर जो है वो हमारा बढ़ा हुआ होता है, या ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है हमें, बहुत सारी गैस रिलेटेड, इनडाइजेशन रिलेटेड, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड समस्याएं जो है वो होती है। और हमसे पूछा जाता है कि क्या ऐसा कोई प्राणायाम, ऐसा कोई योग आसन या ऐसी कोई प्रैक्टिस हमें बताई जाए या एग्जिस्ट करती है जिससे हमारी ये समस्या गैस की, एसिडिटी की, इनडाइजेशन की, कॉन्स्टिपेशन की, डिस्पेप्सिया की, अल्सर्स की, हर्निया की, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सकती है। तो आज इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैं उपस्थित हूँ। आज हम एक प्राणायाम की बात करने वाले हैं जो योगा में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और इफेक्टिव प्राणायाम माना जाता है। ये प्राणायाम मैंने जितने बेनिफिट्स बताए उन्हें तो ठीक करता है, और भी बहुत सारे फिजिकल बेनिफिट्स के साथ साथ मेंटल बेनिफिट्स, डिप्रेशन, एंगर, एंजाइटी। आजकल के लोग बिकॉज हम कॉर्पोरेट जॉब करते हैं तो सिटिंग जॉब ज्यादा होती है लोगों की, कंप्यूटर के सामने बैठ करके जॉब जो है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से फिजिकल स्ट्रेंथ का ना होना, बहुत ज्यादा वीकनेस का फील होना, बिना किसी बीमारी के भी अगर आपको बहुत ज्यादा कमजोरी फील होती है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी को लैक करते हैं, तो इन सभी समस्याओं का मात्र एक इलाज है कपालभाति प्राणायाम। परंतु कपालभाति जो है वो जितनी ज्यादा इफेक्टिव है, वो अगर आप उसे सही तरीके से नहीं करते हैं या आप किसी गलत तरीके का गलत वीडियो देख करके आप कोई गलत तरीके से कपालभाति करते हैं तो फायदे के साथ साथ नुकसान भी हो सकता है। तो आज योगिक पद्धति से, जैसे हमारे ऋषि मुनि करते हैं, जैसे पतंजलि योग सूत्र में, या फिर आप अष्टांग हृदय में पढ़ेंगे, या फिर आप और भी सारे जितने वैदिक बुक्स हैं जो योगा सिखाते हैं आप उन्हें पढ़ें, तो उनमें क्या पद्धतियां दी हुई हैं, उनमें क्या स्टेप्स दिए हुए हैं, क्या करना चाहिए और किस तरीके से कपालभाति प्राणायाम को सही तरीके से करना चाहिए वो हम देखेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से कपालभाति प्राणायाम हम कर सकते हैं, ताकि मैंने जो बेनिफिट बताए वो सभी बेनिफिट हमको मिले और नुकसान ना हो। तो कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें हमें श्वासों पर नियंत्रण रखते हुए श्वासों को छोड़ना होता है और पेट को अंदर की तरफ पंप करना होता है। इसको कैसे करते हैं, तो ये बात समझने के लिए पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि इस प्राणायाम को किस तरीके से किया जाए, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जब मैं एक्सप्लेन करूं तो वो बेटर हो सके। तो हमें कोई भी एक मुद्रा, सपोज ज्ञान मुद्रा है, अडाप्ट करके बैठ जाना है, बॉडी को एकदम सीधा रखना है एंड आंखों को बंद करके ब्रीदिंग करना है। तो साथियों, जिस तरीके से अभी मैंने कपालभाति किया, अगर आपने ध्यान से नोटिस किया तो मेरे हर एक स्ट्रोक के बीच में, यानी कि जब भी मैं सांस छोड़ता था तो नेक्स्ट ब्रीदिंग के बीच में एक सेकंड का गैप होता था। ये कपालभाति का पहला रूल है। जो भी व्यक्ति बहुत फास्ट कपालभाति करता है उसके हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर एग्जर्ट होता है, जिससे हार्ट की प्रॉब्लम्स जैसे कि ब्लड प्रेशर होने के चांसेस जो होते हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज एक्सेसिव प्रेशर जो है वो हार्ट के ऊपर पड़ता है। तो ध्यान रहे, जब भी कोई व्यक्ति कपालभाति कर रहा है, खास करके जब वो व्यक्ति हार्ट डिजीज से सफर कर रहे हैं, तो वो लोग हमेशा एक या दो सेकेंड या तीन सेकेंड के गैप नहीं करें। एक नॉर्मल, एक हेल्दी इंसान को हमेशा एक सेकेंड का गैप देना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले कपालभाति करने से पहले एक व्यक्ति को भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम में, नॉर्मल भस्त्रिका में, हम श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं और उसके ऊपर फोकस करते हैं। देखिए किस प्रकार से, जब हम श्वास को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो हमें इस बात के ऊपर खासा ध्यान रखना है कि श्वास लेते वक्त हमारा जो टमी है, हमारा जो पेट है,
वो बाहर की तरफ आना चाहिए, और श्वास को छोड़ते वक्त हमारा टमी, हमारा पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। यह बॉडी की नेचुरल प्रोसेस है, ये आपको कॉन्शियसली नहीं करना है। जनरली बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल दैट वी आर लिविंग, हमारा जो चेस्ट है वो एक्सपांड होता है। आजकल देखिए ऐसे ये ब्रीदिंग करने का सबसे ज्यादा खतरनाक तरीका है, इस तरीके से कभी भी ब्रीदिंग नहीं करनी चाहिए। इससे हमारा डायफ्राम जो है वो बराबर से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होता, जिसके समय गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं देखने मिलती हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि पहले कपालभाति करने से पहले आप भस्त्रिका करें और अपनी ब्रीदिंग को टोन करें, कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा पेट बाहर आना चाहिए, और जब ब्रीद आउट करते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। इस ये हुआ स्टेप नंबर वन। इसके बाद स्टेप नंबर टू, आप जब ब्रीद इन करते हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए, ब्रीद आउट करते समय फोर्स के साथ करना है। जब आप इस तरीके को, इस टेक्निक को सीख जाए तब आपको इसके साथ पेट को भी अलाइन करना है। जैसे शुरुआती दौर में आप इस तरीके से कर सकते हैं, अपने दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रख करके अपने पेट के ऊपर रख दीजिए, ब्रीद इन करेंगे, इस तरीके से धीरे 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 करते हुए आप एक्चुअल कपालभाति जैसा मैंने आपको करके दिखाया आप वैसे करने लग जाएंगे, जो कि इस प्रकार होगा। तो साथियों, अगर इस प्रकार से दिए गए तीन स्टेप्स में अगर आप कपालभाति करते हैं एक सेकंड की गैप के साथ, तो आपको कभी भी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज, स्टमक रिलेटेड डिसऑर्डर्स, लंग्स के डिसऑर्डर जैसे अस्थमा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, यह कभी नहीं होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे, बूढ़े इसको अलग अलग मात्रा में करें। जैसे एक हेल्दी व्यक्ति यानी कि 12 साल से लेकर के 40 साल के व्यक्ति को हमेशा कपालभाति जो है वो 100 कपालभाति से शुरू करनी चाहिए, और उसको जितना ज्यादा वो लेके जा सकते हैं कैपेसिटी के हिसाब से उतना ले जाना चाहिए। लेकिन इसी एज ग्रुप में अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत आपको रहती है तो आपको 50 कपालभाति से हमेशा शुरू करना चाहिए, और इसी प्रकार से बूढ़ों के लिए भी 25 से 50 कपालभाति एक बार ही करें, फिर धीरे 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 10 कपालभाति या 20 कपालभाति की काउंटिंग्स है हम हमेशा बढ़ाते रहें। इस प्रकार से कपालभाति अगर हम करते हैं रेगुलर तरीके से तो हमको बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो देखने को मिलेंगे, और आशा है कि आप अपना स्वास्थ्य फिर से रीगेन कर पाएंगे। इसी टेक्निक के साथ आज का ये वीडियो मैं एंड करता हूँ। धन्यवाद।